यार दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर कमलनाथ की सरकार गिर चुकी है और कमलनाथ ने अपना राज्यपाल लालजी टंडन के पास अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उधर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कमलनाथ की सरकार में युवा बहुत परेशान हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो बड़ा बयान दिया है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने, तो दोस्तों ये दिया है एपीपी न्यूज़ के माध्यम से दिया है दोस्तों। अभी जो खबर है वो 1 बजे की खबर है। 1 बजे जब भी उसे मीडिया कर्मी ने बात की तो यहाँ पर उन्होंने साफ जवाब दिया था कि बजट अब हमारी सरकार घोषित करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। सरकार बनते ही युवाओं पर फोकस रहेगा। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, बजट हमारी सरकार घोषित करेगी। सरकार बनते ही युवाओं पर फोकस, इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। जी हाँ, सबसे बड़ी न्यूज आई हुई है यहाँ पर। राज्यपाल के समक्ष अपना दावा पेश करेगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी सरकार। जी हाँ, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो विधायक दल का नेता होगा वो यहाँ पर शिवराज चौहान होगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी खबर। और यहां पर 26 तारीख को विधानसभा का सत्र वो चालू होने जा रहा है, इसमें बजट पेश करेगी अब बीजेपी की सरकार करेगी, और आगामी उपचुनावों को ध्यान में रखकर यहां पर युवाओं पर और किसानों पर सर्वाधिक फोकस करने जा रही है बीजेपी सरकार। जी हाँ, 25 सीटों पर उपचुनाव होंगे यहां पर मध्य प्रदेश में, और इसको लुभाने के लिए, तो ये 25 सीटों को जीतने के लिए युवा और प्रदेश के सारे वर्ग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत बड़ी घोषणाएं कर दी जाएगी इस बजट में। सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए वैकेंसियों का पिटारा खोल सकते हैं यहाँ पर मामा। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, ऐसे ही अपडेट पल पल हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर शिवराज सीएम की शपथ ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार में युवा परेशान, किसान परेशान, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान था, तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए अब नई सरकार का गठन हो चुका है। लेकिन आपको डबल डबल फायदा होने वाले है दोस्तों इस सरकार के माध्यम से, क्योंकि पिछले 6 महीने के भीतर 25 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो उपचुनाव को देखते हुए यहाँ पर घोषणा पत्र भी आएगा आपका और बजट भी आएगा, तो इन दोनों चीज में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा, यहाँ पर पिछली सरकार यानी कि कमलनाथ की सरकार ने यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, तो इसका फायदा अब युवाओं को देने चाहेंगे जो शिवराज सिंह चौहान देंगे पूरी तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट यही है। तो जल्द ही आपकी MP पुलिस भर्ती आने वाली है दोस्तों। यहाँ पर कुछ वेट और करना होगा दोस्तों, नई सरकार का गठन भी हो चुका है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।